नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले काफी समय से, या हम यूं कहें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर आई है, पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। और खास तौर पर आपने गौर किया होगा, जब से इंडी गठबंधन बना, यानी कि पूरा विपक्ष एक हुआ, तब से ये जो हमले थे ये बहुत तेजी से बढ़े। और इन हमलों में ऐसा नहीं है कि केवल सरकार पे हमले हुए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमले हुए, ये हमले सुप्रीम कोर्ट तक पे होने लगे। यानी जो हमारी संवैधानिक संस्था थी, जिसकी दुहाई पाकिस्तान जैसे या विदेशी देशों में, अमेरिका जैसे देशों में भी दी जाती है कि हिंदुस्तान के अंदर न्याय बहुत हद तक बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है, वहां पर इंडी गठबंधन ने उसी न्याय व्यवस्था पर भी कटाक्ष करना और हमला करना शुरू कर दिया। खास तौर से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी संस्थाओं को भी बदनाम करने की कोशिश की और लगातार हमले करने की कोशिश की, उससे कहीं ना कहीं हमारी जो संवैधानिक संस्था है वो भी एक तरीके से शॉकिंग मोड में आ गए। लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं, फैसले वही हुए जो कानून और तथ्य कहते हैं। विपक्ष चाहता है कि वो चोरी भी करें और चोरी के साथ साथ उन्हें कोई पकड़े। अरविंद केजरीवाल हजारों करोड़ रुपए की चोरी करके 100-100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हैं और फिर कहते हैं एक पैसा नहीं मिला। यानी कि वो जो कानून का लकुना था उसका फायदा उठाकर बचने की कोशिश कर रहे थे। हमने आपको इस पर भी कई वीडियो बना कर दिए कि देखिए, कानून में उन्हें शायद उनके लीगल एडवाइजरों ने धोखा दे दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बताया कि पैसा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा और उन्होंने पैसा गायब किया, सत्येंद्र जैन की कंपनियों में डालकर ब्लैक को व्हाइट किया, गोवा के अंदर 45 करोड़ रुपए खपा दिए, बाकी पार्टी फंड में कर लिए, अपने बाहर अपार्टमेंट खरीदवा लिए। आखिर राघव चड्ढा का रोल क्या है पार्टी के अंदर? यही तो रोल है। खैर, हम उस पर नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर लगातार हमले होते रहे, लेकिन आज अपने रिटायरमेंट से पहले देश के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ ने आज विपक्ष की ये पोल खोल कर रख दी कि किस तरीके से विपक्ष के नाम पर हमारे संवैधानिक संस्थानों पर हमला बोला जा रहा है। और इस हमले का सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि अगर फैसला विपक्ष के पक्ष में आ जाए तो ये बड़ी अद्भुत संस्था है, और विपक्ष के अगर खिलाफ आ गया तो पार्शियलिटी हो गई, बेईमानी हो गई। दरअसल है क्या, जस्टिस DY चंद्रचूड़ CJI दक्षिण गोवा में इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, मौका तब का है, और उन्होंने आज जिस तरीके से हमला बोला, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष का रोल अदा नहीं करना है, रोल नहीं निभाना है, और आपके पक्ष में फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट अद्भुत संस्था है, खिलाफ आए तो हम बदनाम। CJI ने यह भी कहा। और आपको हम यहां पर यह भी बता देते हैं कि किस तरीके से ये जो सारा मामला है, CJI ने अपने रिटायरमेंट से पहले ऐसा बयान देकर पूरे देश के अंदर तहलका मचा दिया। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये बुरा लग रहा होगा कि जिस तरीके से विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को टारगेट कर रहा है, ये सचमुच बेहद शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट जनता की अदालत है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी है। आपके पक्ष में फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट अद्भुत संस्था होता है, और खिलाफ आए तो हम बदनाम हो जाते हैं, हमको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। CJI चंद्रचूड़ बोले, तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाती हैं अदालतें,
यहाँ पर आपके लिए यानी कि नेताओं के लिए कुछ खास बचता नहीं है, जो तथ्य बोलेंगे उसी तरीके का फैसला दिया जाएगा। सीजीआई चंद्रचूड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट आम जनता के लिए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह संसद में विपक्ष की भूमिका निभाने लगे। जो लोग किसी मामले में कोर्ट के फैसले की सराहना करते हैं, वही लोग किसी दूसरे मामले में आलोचना शुरू कर देते हैं। जज केस में रखे गए तथ्यों के आधार पर फैसला देते हैं। फैसलों की आलोचना में कुछ गलत नहीं है, लेकिन यह कानूनी पहलुओं पर होना चाहिए। फैसला किसके पक्ष में आया है, इस आधार पर आलोचना करना सही नहीं है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार के विपक्ष की भूमिका में होने की उम्मीद करना गलत है। आप ये समझिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने विपक्ष को धोखा रख दिया है, खास तौर पे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को आज शर्म से मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में ये सारी चीजें हुई हैं, शायद इससे डीवाई चंद्रचूड़ कहीं ना कहीं दिली रूप से आहत है। जनता की अदालत जो होती है, अदालत उसमें वही फैसले होते हैं जो तथ्यों के आधार पर चुने जाते हैं या तय किए जाते हैं, और इसमें जो है संसद पर विपक्ष जो करता है वो भूमिका जो सुप्रीम कोर्ट है उसको नहीं निभानी चाहिए। ये सारी चीजें इतनी गंभीरता से सीजेआई चंद्रचूड़ ने कही है कि आप ये समझिए, कितने दिनों से, जब से मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ ने पदभार संभाला था, तब से उन पर कितना प्रेशर था। आपको यहां पर यह भी याद करना चाहिए कि जो वकीलों के एक बड़े समूह ने, वरिष्ठ वकीलों के एक बड़े समूह ने काफी समय पहले सीजेआई चंद्रचूड़ को एक पत्र भी लिखा था और वो मिले भी थे। उन्होंने सीधे सीधे सीजेआई को कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने तरीके से फैसला कराने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। ये जो बात वरिष्ठ वकीलों के उस समूह ने कही थी, ये बात इस संदर्भ में कही गई थी कि जो विपक्ष है, विपक्ष में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए और अपने तरीके से फैसला कराने के लिए जजों को परेशान करते हैं, जजों पर अननेसेसरी प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और उन्हें ये ऐसा करने पर मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। यही हाल वकीलों के भी साथ था, और इसी बात को, इसी दर्द को उजागर करते हुए वकीलों का ये, वरिष्ठ वकीलों का ये समूह सीजेआई चंद्रचूड़ से भी मिला था और उन्होंने इसके बारे में पत्र भी दिया था। ये बड़ी बात है, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से विपक्ष पिछले दिनों में एक्ट और रिएक्ट कर रहा था, उसका आज सीजेआई चंद्रचूड़ के इस बयान ने पर्दाफाश करके रख दिया है। यानी कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है पिछले लंबे समय से जो असहनीय है, और विपक्ष के नाम पर जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, कानून के नाम पर जिस तरीके से मुहिम चल, इसमें कई वरिष्ठ वकील भी साबित हैं, शामिल हैं, कई ऐसे भी लोग हैं, हो सकते हैं वरिष्ठ वकील भी हो सकते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो लगातार इस तरीके की चीज़ें करते हों, लेकिन सीजेआई क्योंकि उनको जो है हर मामले को गुप्त रखने की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि उन्होंने इन सब चीज़ों को उजागर नहीं किया, लेकिन आज इशारों में अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले आज उन्होंने जिस तरीके से देश की जनता को यह संदेश दिया है, ये बात कही है, अपने जो आहत मन था उसके बारे में चर्चा की है, ये सचमुच अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर अरविंद केजरीवाल के केस को कोट करते हुए इमरान खान ने कहा था कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा कानून बड़ा स्ट्रांग है, और वहां पर जो कोर्ट है वो
बहुत अच्छे फैसले देती है, निष्पक्ष फैसले देती है। वहां पे चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, कोर्ट किया था इमरान खान ने। तो क्या हमारे यहाँ का के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्या उनको हमारे अदालतों को इस तरीके से टारगेट करना सही है, हमारी एजेंसियों को टारगेट करना सही है? शायद नहीं। लेकिन आज सीजीआई ने इन सब को जिस तरीके से उजागर किया है, उस पर जो भारतीय जनता पार्टी के नलिन कोहली हैं, उनका बयान सुनिए, वो आखिर क्या कहना चाहते हैं। उच्चतम न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा है, वो महत्वपूर्ण बात है, संसद अपनी जगह है, वहां पर विपक्ष की एक गरिमा है, उनका कुछ कार्य करने की शैली है, कोर्ट अलग है, न्यायपालिका में जो फैसले आएंगे किसी के पक्ष में आएंगे, कोई हारेगा? ऐसा तो है नहीं कि हर फैसला सरकार के पक्ष में है और हर फैसला जो है विपक्ष के लोग हार जाते हैं, या हर फैसला विपक्ष जीतती है और सरकार हारती रहती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोर्ट देखता है किस पक्ष में क्या उसके तथ्य है, कानून क्या है, और फैसला सुनाती है एक निष्पक्ष रूप से। अब उसका राजनीतिकरण करने से कैसे चल सकता है, ये क्या उचित है? और विपक्ष में कई बार देखा गया है, जब फैसले उन्हें पसंद आते हैं तो वो तारीफ करते हैं न्यायपालिका की, और जब फैसले उनको पसंद नहीं आते तो उस पर प्रश्न उठाते। ये न्यायपालिका के लिए उचित नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, और एक गंभीर बात है, इस पर चिंतन होना। आपने सुना होगा नलिन कोहली ने काफी कुछ कहा, और विपक्ष ने जो पिछले दिनों किया था उसे भी उजागर करने की कोशिश की है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।